14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टिकेन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे में अकस्मात आग लग गई थी। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन बहादुर अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध में जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांडों से होने वाली क्षति के रूप प्रति जागरूक करना तथा अग्निकांडों को रोकने एवं अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में शिक्षित करना है। इसके साथ ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, आग की स्थिति में बचाव के उपाय, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा व सावधानियां, विद्युत अग्नि सुरक्षा व सावधानी, बहुमंजिले भवनों में अग्नि सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा आदि। 14 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अग्नि सुरक्षा दिवस के साथ साथ में से अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी होते हैं। और आज हमने अपने स्टेशन के ऊपर जो हमारे 1944 के अंदर जो हमारे फायरमैन शहीद हुए थे मुंबई में कोर्ट के ऊपर आके ऊपर, उसमें हमारे तकरीबन 66 जो जवान हमारे शहीद हुए थे, उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग हर साल इसका आयोजन करते हैं, जिससे कि हम अपने जो हमारे बहादुर साथी थे उनको श्रद्धांजलि दे सके। किस कैसे शहीद हुए थे, वो कहाँ क्या गए थे? मुंबई पोर्ट के ऊपर 1944 के अंदर एडमिशन से भरे हुए 2 जहाज आए थे और उसमें किसी वजह से उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी और वजह से उसमें आग लग गई और उस आग को बुझाते हुए मुंबई पोर्ट के जो फायरमैन थे वो थे एयरफोर्स के कर्मचारी थे और जो बॉम्बे फायर ब्रिगेड के फायरमैन थे उस आग को बुझाते हुए शहीद हुए थे। जैसे सर ने बताया था ना 1944 में विस्फोट हुआ था मुंबई पोर्ट पे, तो उसमें हमारे जो ब्रेव फायरमैन थे और फायर ऑफिस थे 66 की वहाँ पर कैजुअलिटी हुई थी और उन्हीं को शक्ति श्रद्धांजलि देते हुए हम ऑन क्लास को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे जो फायर ब्रिगेड का ये 1 वीक के लिए होते हैं, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलता है ये। और इसमें हम जितना भी हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, हम कितने उसको डेडिकेटेड के साथ उसको हम कर सकते हैं और कितना मुझे करना चाहिए, और उसके लिए हम हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम चलता है कि हम पब्लिक को इसके लिए अवेयर करते हैं कि जो भी फायर्स होती हैं वो बड़ी एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट होती हैं और उसको हम एट अ टाइम नहीं बुझा पाते तो वो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे वो नुकसान कर सकती हैं। तो हमारे इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि सर इसका जो मेन मोटिव है कि ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए पहले ही अगर हम प्रिवेंशन की जाए, इस पर पहले ही हम अगर इस बारे में ट्रेनिंग हो, उनको जानकारी हो किस प्रकार की आग है, किस तरह बुझाएं घरों में, फैक्ट्रीज में, तो कोई भी बड़ा हादसा होने से हम बच सकते हैं। तो ये इसका मेन मोटिव है। वर्मा पैथोलॉजी लैब, एक अलग पहचान, हजारों लोगों के विश्वास के साथ हमारे पास सभी अत्याधुनिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। काठमांडी सेक्टर 14 मार्केट के साथ ही चौहान, रावल, चंदा, बंसल हॉस्पिटल्स में हमारी डिजिटल एक्सरे ईसीजी सुविधा शुरू। सभी बुजुर्ग डॉक्टर और सोनीपत के लोगों का भरोसा वर्मा पैथोलॉजी लैब।